जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे आपको हर चीज इस दुनिया में बगल में स्क्रीन चलाऊंगा मैं उसमें दिखते भी रहे। तो चलो हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या पहले ये तो देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है। क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या है, तो जिसमें हम किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग कर देते हैं और लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सॉलिड पार्ट को अलग कर देते हैं और लिक्विड पार्ट क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आपको सॉलिड पार्ट को अलग और लिक्विड पार्ट को अलग, यही काम करना सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। आपको अगर बहुत फर्जी हो जाए, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हो कि किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग कर देना और लिक्विड पार्ट को अलग कर देना फिल्ट्रेशन कहलाता है, और आज बोल रहे हो कि सॉलिड पार्ट को अलग कर देना और लिक्विड पार्ट को अलग कर देना सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। दोनों चीज सेम है मतलब? नहीं, काम दोनों का सेम है। सेम काम, दोनों का काम वही है कि सॉलिड को अलग करना और लिक्विड को अलग करना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कहोगे क्या डिफरेंस वो बताइए इनको पहले। देखो वो क्या डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है। चलो आप एक मिक्सचर लो, ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल होंगे और सॉलिड के पार्टिकल होंगे। आप एक छन्नी लगा के छानो, तो जब छन्नी लगा के छानो तो अगर मान लो जो छन्नी हमारी है उसमें छेद होगा, वो जो छेद जो पोर उसको बोलते हैं हम, पोर साइज जिसको बोलते हैं या छेद बोलो, छेद का जो साइज है वो छोटा हो और जो सॉलिड के जो पार्टिकल हमारे हैं वो थोड़े बड़े बड़े हों, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल वो क्या है थोड़े बड़े होंगे, तो वो जब छन्ने जाएंगे तो सॉलिड के पार्टिकल ऊपर छन्नी के ऊपर रह जाएंगे। मतलब जब सॉलिड के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आपको क्या इस्तेमाल करते हैं, तब हम फिल्ट्रेशन करते हैं। आपको तब क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। अब यही अगर सॉलिड पार्टिकल जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं अगर उनका साइज बहुत ज्यादा महीन हो जाए, एकदम फाइन हो जाए पार्टिकल, मतलब छन्नी लगाकर छाने तो उसके आर पार चले जाए सॉलिड के पार्टिकल, जब ऐसा केस आएगा तब आप इस्तेमाल करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कब करते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल के लिए। अनाया आपको कब करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, फाइन सॉलिड पार्टिकल के लिए। अनाया आपको अब आपने ये तो जान गया कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते कब है, किसके लिए करते हैं, कब करते हैं, ये तो आप समझ गए। अब हम जानते हैं कि कैसे अलग कर देगा सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग, अब ये बताइए। तो देखो, तो अलग कौन करता है, अलग करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने ध्यान सुनो मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग करता है सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग करता है, किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब यार ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये कहां से नया नाम आ गया हमारे सामने, इसको जरा बताइए। चलिए ये बता देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये एक फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन मैं आपको इसको भी क्लियर कराऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है पहले। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब सुनो, जब कोई चीज सर्कल के रूप में, सर्कुलर मतलब बोले तो वृत्ताकार, या बोले तो सर्कल के रूप में मोशन करती है, ठीक है, जब कोई वृत्ताकार मोशन करती है या बोले तो सर्कल के रूप में मोशन करती है, ठीक है, सर्कुलाकार मोशन कर सकते हैं आप ये भी बोल सकते हो, तो क्या होगा, जब कोई सर्कुलाकार मोशन करती है तो देखो सर्कल के रूप में, मान लो कोई गाड़ी ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, गाड़ी है चला रहे हैं सर्कल के रूप में, ठीक है, गोला गोला ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जहां से अगर सर्कल होगा तो उसका एक सेंटर भी होगा अंदर, ठीक है। तो सुनो, जब एक सर्कुलाकार मोशन करोगे, जब सर्कुलाकार मोशन करोगे तब क्या होता है, मान लो ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई हमारे पास गाड़ी है, तो इस गाड़ी पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने सेंट्रीफ्यूगल नाम नहीं बोला अभी, मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब जब ये सर्कुलाकार मोशन करती है तो इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए ये क्या कर रहा है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कर क्या रहा है, ये इस गाड़ी को अपने अंदर की ओर खींच रहा है। इसीलिए जब हम किसी सर्कुलाकार ऐसे मोशन पे, ऐसे जब हम ऐसे मुड़ानी पे ऐसे मुड़ते हैं तुरंत फटाक से अंदर गिर जाते हैं, यही कारण है यही चोरवा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाता है ना, आपको इसी वजह से हम गिर जाते हैं। अब इसके सेंटर की ओर एक कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमको गिरने से बचाता है। नारा है, क्या करता है, वो गिरने से बचाता है, यही है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण हम आराम से गाड़ी पर मुड़ा लेते हैं। नारा आपको ये एक प्रकार का वर्चुअल फोर्स है, आप जब उसको पढ़ोगे तो सामने आ जाएगा। इसको लोग मानते नहीं है
लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट एक और फोर्स रहेगा जिसका नाम होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, ये जो गाड़ी है इसको अपने बाहर की ओर खींच रहा है, मतलब इसको अंदर गिरने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये काम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जब कोई चीज सर्कल के रूप में मोशन, सर्कुलाकार मोशन करती है, तो उस सर्कल की सेंटर के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी। ठीक है, बनाया आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होता है सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करने में। कैसे, दिखा रहा है, बता रहा है। देखो क्या, एक बर्तन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक बर्तन होगा, एक मशीन है। देखो बर्तन ही बेसिकली एक मशीन आती है, बहुत ढेर सारे मशीनें हैं, अभी आपको मशीनों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तो देखना वहां पे, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ काम कैसे करती है। तो देखो क्या करेंगे, उस मशीन में डाल देंगे मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, लिक्विड वाला पार्ट होगा और सॉलिड वाला पार्ट होगा। अब जो मिक्सचर होता है वो लगता है गोल गोल ऐसे ऐसे वृत्ताकार सर्कुलाकार मोशन करने लगता है। तो जब सर्कल के आकार में मोशन करेगा तो वहां पे दो चीजें हैं, क्या क्या चीज है, वो वहां पे दो चीजें हैं, एक है सॉलिड वाला पार्ट और एक है लिक्विड वाला पार्ट। तो जो क्या करता है, जो पार्ट जो जिसके सॉलिड जिसके पार्टिकल हल्के होंगे, मान लो लिक्विड वाले पार्ट का लिक्विड वाला हल्का होगा, सॉलिड वाला हल्का होगा, जिसके भी मान लो लिक्विड वाला, ठीक है, तो क्या करेगा, ये लिक्विड वाला है और सॉलिड वाला दोनों ऐसे मिक्सचर ऐसे से गोला गोला घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या करेगा, लिक्विड वाले जो हल्के होते हैं लिक्विड वाले पार्ट को या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच लेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, हल्के जो पार्ट के सोंगों क्या करेगा, अपने बाहर की ओर खींच लेगा। और बाहर की ओर खींच लिया तो बाहर की ओर खींच रहा मतलब लिक्विड वाला पार्ट बाहर आ गया और सॉलिड वाला पार्ट को नहीं खींचा, मतलब सॉलिड वाला पार्ट अंदर रह गया, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं तो ढेर सारे मशीनें मिलती हैं, तो ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड को हम अलग अलग करते हैं। यार आपको कितना इंपॉर्टेंट है, कितना दिमाग लगाया जा रहा है इसमें, कितना किस तरीके से काम करता है, सोचो किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलाकार मोशन कराते हैं और सर्कुलाकार मोशन कराकर हम लिक्विड वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं और सॉलिड वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये तरीका, यही तरीके से हमारा, देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हुआ ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया, उस लिक्विड वाले पार्ट को क्या कर दिया, बाहर खींच लिया और सॉलिड वाले पार्ट को छोड़ दिया। तो जब ये बाहर आ गया और सॉलिड वाले पार्ट इधर आ गया, इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो यही तो काम है, इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ा है सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ये थोड़ा थोड़ा अब आसान लग रही होंगी आपको समझने में, काफ़ी आसान है। अगर आप थोड़ा सा अगर क्लास इलेवंथ का अगर बेसिकली नॉलेज आपके पास होगा, आपने जैसे सर्कुलाकार मोशन क्लास इलेवंथ में की जो फिजिक्स आती है उसमें पढ़ा होगा, जिसमें चैप्टर का नाम था फ्रिक्शन एंड सर्कुलाकार मोशन, सर्कुलर मोशन, आपने ये पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा काफ़ी। यही कारण है वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डालते हैं आपने देखा होगा वो ऐसे 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 गोला गोला घूमता है, और जो मैल होता है, जो कपड़े मैल होता है वो बाहर निकल जाता है पानी के रास्ते, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई होता है। पंखा, जो पंखा ऊपर सीलिंग फैन ऐसे चल रहा है उसके ऊपर ऐसे कुछ रख दो और चला दो पंखा, मान लो पंखा शांत है उसके ऊपर ऐसे रख दो कुछ चला दो, ऐसे चलाओगे तो तुरंत बाहर गिर जाएगा, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई हो रहा है। तमाम तरह की दिक्कतें होती है, आपसे बहुत सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपको छोटा सा डेमो बताया कि क्या चीज है। अभी इसमें ढेर सारे, इसका स्पीड दिखोगे तो इसका स्पीड टेंजेंशियल होता है, तमाम तरह कॉन्सेप्ट, ये जब फिजिक्स पढ़ोगे तब आपके लिए अभी इतना काफी है आपके लिए। आपको तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का कुछ एप्लीकेशन है उसको जान लेते हैं, तो क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस उसको हम जानते हैं। तो पहला है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जैसे आप एक अपने शरीर में से खून निकाल लो, ब्लड निकाल लो, ठीक है, अब एक छनी ला के छान दो, जैसे छानोगे तो उसमें ब्लड दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक सॉलिड वाला पार्ट और एक लिक्विड वाला पार्ट। तो सॉलिड वाला पार्ट वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होगा, छन्नी से छनके आर पार हो जाएगा, ठीक है। मैं सब सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सॉलिड वाला पार्ट होगा ऊपर और लिक्विड वाला पार्ट क्या होगा, लोटा में आपके, ठीक है, समझाया आपको। अब जो सॉलिड वाला पार्ट है उसमें तीन मिला है, एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है, एक प्लेटलेट्स है, ये तीन मिला होते हैं। और जो लिक्विड वाला पार्ट छन के उसमें मिला है, कप में मिला है, लोटा मिला हुआ है,
उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा के नाम से, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कैसे, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल को अलग और लिक्विड पार्टिकल को अलग करना है, तो अगर आप ब्लड में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल को अलग और लिक्विड पार्टिकल को अलग करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं, यही ये बोल रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड सेल्स को ब्लड से अलग करने का एक तरीका आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर ड्रग प्रेजेंट इन यूरिन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। देखो चाहे जो अगर आपके मान लो ब्लड में यू ड्रग है, ठीक है, ड्रग पार्टिकल्स है, या आपकी यूरिन में है और उसको अलग करना है, यूरिन क्या है लिक्विड वाला पार्ट, ड्रग क्या है सॉलिड वाला पार्ट, अब उसको आराम से एक दूसरे से अलग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दो इमिसिबल लिक्विड होंगे तभी इस चीज तभी इस प्रोसेस से आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, समझा रहा आपको। तो ये होता है हमारा। थर्ड आता है, इट हेल्प इन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। आपको अगर दूध में से क्रीम को अलग करना है, क्रीम को निकालना है, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ, इट इज वाइडली यूज्ड इन ड्रग इंडस्ट्री टू सेपरेट क्रिस्टलाइन मटेरियल फ्रॉम सस्पेंशन। अगर आपके सस्पेंशन में क्रिस्टलाइन मटेरियल वगैरह है, ठीक है, सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन का मतलब सॉलिड वाला पार्ट है और लिक्विड वाला पार्ट है, तो उसमें क्या करना, दोनों को अगर अलग करना है तो आप इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है, इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन सेपरेशन ऑफ मेनी सबसेलुलर ऑर्गेनल्स। देखो हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर लिक्विड वाला पार्ट भी भरा हुआ है और कुछ ऑर्गेनल्स हैं, अब अगर इन दोनों को अलग अलग करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा आप कर सकते हो, मैं आपको। सिक्स नंबर पे आता है, इट आल्सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो बहुत ढेर सारी चीजें इंडस्ट्री वगैरह में, कुछ ढेर सारी ड्रग्स वगैरह बन रही है, ठीक है, मान लो सिरप, तमाम तरह की चीजें हैं, अगर उसमें मान लो किसी में वायरस घुस गया है, अब वो वायरस को अगर अलग करना चाहते हो, ठीक है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको अलग करना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा आप अलग आसानी से कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ एप्लीकेशन है किसके, सेंट्रीफ्यूगेशन के, जो कि पूछा जाता है कभी कभी आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बताना पड़ेगा क्या होता है और इसका एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको काम हो जाएगा। आपने सब कुछ चीजों को जान गए, अब हम चलते हैं इसका आपको नोट्स दे देते हैं और आपका जो काम होता है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। सेंट्रीफ्यूगेशन के कुछ नोट्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के, तो देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो इस चीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल का सेपरेशन करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग आइदर टू इमिसिबल लिक्विड, अगर दो इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग करना हो, या सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, किसी लिक्विड में से किसी सॉलिड को अलग करना हो, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हैं। The equipment which used in centrifugation is known as centrifuge, ठीक है, मतलब जो हमारा centrifugation process में जो हमारा equipment वगैरह use होता है उसको centrifuge के नाम से हम जानते हैं। Principle इसका क्या है, it is based on sedimentation, sedimentation का मतलब नीचे बैठ जाना। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे जो हल्के वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे या बाहर बोल सकते हो, और जो हमारे भारी पार्टिकल होंगे हमारे वो बीच में, ठीक है। तो हमारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे हमारा ये बेस्ड है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन हमारा है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ढेर सारे हैं, देखते हैं कौन कौन सा। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड, मतलब क्या, आप बता दिया था आपको ब्लड से ब्लड सेल्स को अलग करना हो तो ये आप प्रोसेस से अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। हालांकि मैंने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से, आप एक बार वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। सेकंड आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड यूरिन एंड टिश्यू फ्लूइड। ब्लड यूरिन टिश्यू फ्लूइड में अगर ड्रग आपके प्रेजेंट है तो उसको भी अलग आप अलग कर सकते हैं इससे। इट हेल्प इन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर आपको मिल्क से दूध से क्रीम को अलग करना है तो आप इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज इन ड्रग इंडस्ट्री टू सेपरेट क्रिस्टलाइन मटेरियल फ्रॉम सस्पेंशन, अगर आपको सस्पेंशन से क्रिस्टलाइन मटेरियल को अलग करना है तो भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से आप अलग कर सकते हो। और भी क्या है दिखाते हैं आपको हम। इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द सेपरेशन ऑफ मेनी सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, जैसे हमने बताया था सेल्स के अंदर ढेर सारे सेल के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट भी हैं कुछ ऑर्गेनल्स हैं, तो अगर इन दोनों को अलग करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आप इस चीज को अलग कर सकते हैं। सिक्स नंबर पर आता है, इट आल्सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब आप वायरस वगैरह को आपको अलग करना हो तो आप इस मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो आप आई थिंक एप्लीकेशन बहुत आसानी समझ में आ गया होगा आपको, आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।